हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डालेंगे आम का अचार, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखो कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छे तरह से कोटिंग हुई है मसालों की आमों पर। ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है, उतना ही खाने में भी टेस्टी होता है। अगर आप इस तरीके से अचार डालोगे तो कभी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अचार। आज हम डालेंगे आम का अचार। आम का अचार डालने के लिए मैंने इन आमों को पहले काट लिया है, काट कर धो लिया है। धोकर इसको ना मैंने धूप में सूखने के लिए डाल दिया है। इसको हम आधा घंटा या फिर एक घंटा के लिए धूप में सुखाएंगे और बाद में इसका अचार डालेंगे। मैंने आम को ना एक घंटा तेज धूप में सुखा लिया है और 4 घंटे नीचे पंखे के नीचे भी इसको सुखा लिया है। अचार डालने से पहले ना हम इसको ना नमक लगाकर 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। ऐसे थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें। ऐसे इसको मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढककर ना हम 1 दिन के लिए छोड़ देंगे और इसका पानी निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम इसका अचार डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इन आमों को ना मैंने नमक लगाकर 1 दिन के लिए छोड़ दिया था। 1 दिन के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसको नमक लगाकर 1 दिन रखने का ये फायदा है कि इसमें से देखो कितना पानी निकला है। इन पानी से ही ये अचार खराब होने का डर रहता है। अब पानी निकाल दिया, ये खराब नहीं होगा, सालों साल अचार चलेगा और इसमें खटास भी कम हो जाती है और बच्चे भी इसको खा सकते हैं। अब इन आमों को ना हम पंखे के नीचे 1-2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसका अचार डालेंगे, इसमें मसाले डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको 2 घंटे पंखे के नीचे सुखा लिया है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मसाले डालेंगे हम अचार में। अचार में डालने के लिए मैंने ली है 120 ग्राम सौंफ, 120 ग्राम मेथे, 70 ग्राम लाल मिर्च, 30 ग्राम काली मिर्च, 70 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम कलौंजी और 500 ग्राम लिया है मैंने नमक। ये ली है 1 बोतल सरसों का तेल। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि पहले भी मैंने 1 दिन के लिए नमक डाला था ना अचार में, थोड़ा सा पानी छोड़ा था तो उसमें भी नमक है, इसलिए हम 500 ग्राम डालेंगे। पहले डाल लेते हैं आमों में नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं 500 ग्राम डाल रही हूँ। सौंफ, कलौंजी, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, मेथे, अब इसमें डाल देंगे तेल, थोड़ा सा डालेंगे पहले मिक्स करने के लिए। अब मैंने थोड़ा सा डाल लिया है, अब इसे मिक्स कर लूंगी। मिक्स कर लेते हैं सभी मसालों को आमों के साथ। पहले मैंने थोड़ा तेल डाला है मिक्स करने के लिए। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे ऐसे तेल और मिक्स करते जाएंगे। सभी जो मसाले हमारे इन आमों पर कोट हो जाने चाहिए अच्छी तरह से। इतना डालेंगे पहले तेल,
टोटल हमने एक बोतल इसमें डालनी है तेल की, थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे। देखिए मैंने इस अचार को सभी को मसालों को मिक्स कर लिया है, ये अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। इस पर थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। देखिए हम ना ये अचार का पाउडर डालेंगे इसमें, इससे क्या होगा हमारा अचार खराब नहीं होगा। ये अचार का मसाला डाल रहे हैं जो हमने अभी दिखाया था पाउडर, इससे हमारा अचार खराब नहीं होगा। थोड़ा सा डाल लेंगे। जो उस डिब्बे में आया था ना पाउडर, उसका आधा डाला है हमने। अब अच्छी तरह से इस पाउडर को भी मिक्स कर देंगे अचार के साथ, ताकि हमारा अचार खराब ना हो। देखिए अच्छी तरह से मसाला इन आमों पर कोट हो गया है, कलर भी कितना अच्छा आया है। एक बोतल तेल की मैंने इसमें डाल दी है। देखिए हमारा अचार बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको ना ड्राई कंटेनर में डालकर रख देंगे और दो तीन दिन इसको धूप लगाएंगे और इसको चार पाँच दिन डिब्बे को अचार वाले को हिलाते रहेंगे और 15-20 दिन में ये अचार खाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।